आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी, पूरा देश भर में छिड़े हुए भाजपा करेगी चार जानना हो जानना तो वही लोग करवाता है। जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिहार में हुई हिंसा को लेकर सियासी माहौल गरमा चुका है। लगातार नीतीश कुमार पर तो शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इस शिकंजे में आरजेडी की तरफ से भी काफी कुछ लोग शिकंजे में खिसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बात करते हैं राबड़ी देवी की। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी से हैं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की माँ है। यहाँ पर देखा जाता है कि बिहार के नवादा में हिंसा होती है, रामनवमी के अवसर पर दो जगह पर बिहार में हिंसा होती है और घटना घटने के दौरान इस पर आरोप लगाया जाता है कि नीतीश कुमार ने ठीक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार और आरजेडी महागठबंधन की जो सरकार है ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। इन सब को लेकर अमित शाह रैली के दौरान में ये काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी पर पलटवार करते हुए आरएसएस और अमित शाह जिस तरीके की बयानबाजी पेश कर रहे हैं बिहार में और समुदाय के नाम पर भड़काने की कोशिश की जा रही है, इन सब को लेकर राबड़ी देवी काफ़ी कुछ बोलती हुई नजर आती हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आगामी चुनाव को देखते हुए जिस तरीके का माहौल बिहार में देखा जा रहा है, ये हिंसा देखी जा रही है, इस पर नीतीश कुमार का आरोप है कि दो लोगों के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली में भी देखा जाता है और दिल्ली में ही नहीं राहुल गांधी के साथ भी देखा जाता है, तमाम लोगों के साथ देखा जा रहा है। और वो दो लोग कौन है, इनका जिक्र नीतीश कुमार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बीच राबड़ी देवी ने भड़कते हुए काफ़ी कुछ अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है और अमित शाह और आरएसएस किस तरीके से इन नीतियों का उजागर करते हुए राबड़ी देवी ने खुलासा किया है, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी हंगामा चालू और दंगा फसाद चालू पार्टी है दंगा कराने वाला, बीजेपी करवाता है बीजेपी हल्ला करता है। अमित शाह आए थे उसके पहले हंगामा हो गया, पूरा देश भर में घूम रहा है ना, आरएसएस का आदमी बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छिड़े हुए हैं। भाजपा करेगी चार जानना हो जानना तो वही लोग करवाता है। जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं जो भी दंगा वाला लोग हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे, गृह मंत्री के भाषण पर क्या हो जाएगा। जैसे कि आपने राबड़ी देवी को सुना, यहाँ पर कहा जा रहा था कि जब उनसे पूछा गया कि अमित शाह कहते हैं कि यहाँ पर हिंसा करने वालों को उल्टा लटका देंगे और जो हिंसे में हाथ दे रहा है, यानी कि जिनके इशारों पर कार्य किया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर है कि यहाँ पर नीतीश कुमार और आरजेडी से तेजस्वी, इन लोगों को घेरा जा रहा है अमित शाह के ज़रिए, तो यहाँ पर राबड़ी देवी कहती हैं कि हम उनको उल्टा लटका देंगे। वो ऐसे बयान पेश करती हैं कि यहाँ पर बिहार में जिस तरीके का माहौल हो रहा है, इसको भड़काने का काम अमित शाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।